hello and good afternoon everyone i'm welcoming all of you on india's largest learning platform and academy and we are back with another new topic of current affair and yes it is important for your upcoming examination uh, so without wasting time i guess we should start our discussion so that you can easily understand that how we are going to approach the upcoming examination right all right

आप लोगों के हाल चाल कैसे हैं पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बढ़िया हाँ गूगल <laughs> इज हाँ मे बी गूगल इज दैट आई एम इन वैलिड राइट नाउ बट माई मेल आई डी इज करेक्ट डोंट वरी आई सेंड यू द लिंक इन टेलीग्राम चैनल राइट सो फ्रॉम देयर यू कैन वेरीफाई इट ऑल राइट येस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है भाई ठीक है हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यार बट आ, एक काम कर दीजिएगा ग्रुप में जा करके नोटिफाई कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है ठीक बढ़िया चल रहा है बहुत अच्छी बात है एक बार ग्रुप में फटाफट से जाइए हेलो वरुण सिंह गुड आफ्टरनून यस पिंकी कुमारी गुड आफ्टरनून एक काम करिए आप लोग प्लीज जा करके ना एक बार नोटिफाई कर दीजिए ग्रुप के अंदर कि सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद आर सेशन बहुत बढ़िया चलो अच्छी बात है अगर बहुत बढ़िया चल रहा है भाई तो इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है ठीक ऑल डन सर ठीक है चलो अगर शेयर कर दिया है तो अच्छी बात है ऑल राइट देन ऑल राइट ठीक है हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हियर इट इज अबाउट दियर अकेडमी ऑन दर

और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो थोड़ा बहुत अंदाजा एक बात का आप लोगों को जरूर मिला होगा वो अंदाजा ये है कि अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर जो स्पेसिफिकली आर्ट आ, आ, इन एनवायरमेंट और इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके सोर्स का पता नहीं चलता है जनरली कि किस सोर्स से ये लोग करंट अफेयर उठा करके पूछ रहे हैं और वो करंट अफेयर के टॉपिक परेशान भी बहुत करते हैं कभी कभार क्या होता है कि किसी करंट अफेयर की इवेंट को वो लोग बिल्कुल ही स्टैटिक पार्ट से जोड़ करके बना देते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं आपको लगता है कि इतने सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं इतने सारे नेशनल पार्क हैं ठीक है इतनी सारी कंजर्वेशनल साइट्स हैं तो सारी की सारी चीजों को मेमोराइज रखना कैसे पॉसिबल हो सकता है ठीक तो ये जो आपके करंट अफेयर के इवेंट होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं इसका आप एक अंदाजा लगा सके ठीक है जो भी न्यूज आपके सामने आ रही है जो भी न्यूज फ्लैश हो रही है चाहे पीआईबी में हो चाहे न्यूज़पेपर पर हो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का कोई नोटिफिकेशन हो वो सारी की सारी न्यूज सारी की सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम में कैसे कंक्लूड होने वाली है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप इस चीज का सही अंदाजा लगा सकें ठीक तो इसी वजह से पूरा का पूरा करंट अफेयर सेशन आपके लिए है और आज का हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं आपका आज का अपना हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो इस टॉपिक के अंदर क्या कहा गया है कि रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में और ये जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कहां पर पड़ता है वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है तो इस सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है अंबोली अंबोली को उन्होंने जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है विच मीन उस जगह को किस फॉर्मेट में डिक्लेयर किया है इन लोगों ने इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में क्या कर दिया गया है डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ठीक अगर ऐसा डिक्लेरेशन आया है तो आप मान करके चलिए कि इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा संभावित होते हैं कि परीक्षा में पूछे जा सके ये इंफॉर्मेशन क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी आप सभी को जानते हैं हॉट मुद्दा है लगातार क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए डिबेट होते रहते हैं ठीक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़े डिबेट होते हैं तो वहां पर कमीशन ये जानना चाहता है कि क्या आप इन मुद्दों से अवेयर भी हैं या नहीं अवेयर हैं इस वजह से इन मुद्दों की थोड़ी सी डीप एनालिसिस आपके लिए जरूरी बन जाती है तो सबसे पहले ये जो न्यूज है वो न्यूज क्या थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है पश्चिमी घाट के पास जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर जो अंबोली नाम की जगह है इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया है राइट डिक्लेयर क्यों किया है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही रेयर फिश पाई गई है उस रेयर फिश का नाम है शिस्टुरा हिरण्यकेशी क्या नाम रखा गया है शिस्टुरा हिरण्यकेशी इज द नेम ऑफ फिश ठीक जो कि यहां पर इस नेशनल पार्क के पास मिली जिसकी वजह से हम लोगों ने इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है कौन कौन सी चीज अब इस न्यूज में से कौन कौन से वो पॉइंट है जो हमको एग्जामिनेशन से जानने चाहिए सबसे पहली चीज हमें यह जानना है कि ये जो अंबोली है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम जानेंगे दूसरी चीज हम लोग जानेंगे कि इस अंबोली के आसपास की जगहों का जो फ्लोरा और पोना है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो किस तरीके का है तीसरी चीज जानेंगे ये जैव विविधता विरासत स्थल क्या है कौन डिक्लेयर करता है किसके पास पावर है ठीक और शिस्टुरा हिरण्य केशी ये क्या चीज है नाम कहां से आया है क्या इसके पीछे की कोई स्टोरी है या ही नाम रख दिया गया है ठीक तो ये सारे के सारे के पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं ऑलराइट राइट चलिए एक एक करके ये क्या हुआ यहां पर मैंने आपको कैटेगराइज किया है यहां पर आपको मैंने अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ के दिखाया कि किसी न्यूज के अंदर से कौन कौन से डायनेमिक्स कौन कौन से अलग अलग डायरेक्शन आप खोद सकते हैं जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं ठीक कितने पॉइंट समझ में आए आगे बढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले अगर आप लोग इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए तो ये आपके महाराष्ट्र रीजन है महाराष्ट्र का ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है वेस्टर्न घाट वाला रीजन चल रहा है आप सभी को पता होगा यहाँ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का ये अंबोली साइट है ठीक है ना इसी अंबोली को क्या किया गया है जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है ऑन राइट एनी इश्यू एनी प्रॉब्लम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले अंबोली की बात करें तो ये अंबोली क्या है अंबोली महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है क्या है एक हिल स्टेशन है और जिसकी हाइट आपके एवरेज सी लेवल से 2260 फीट की ऊंचाई पर है ठीक और ये जो आपका आ, क्या कहते हैं महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है ये आपके गोवा के तटीय क्षेत्र शुरू होने से पहले ठीक है जब जब से गोवा का आपका ये कोस्टल हाईलैंड स्टार्ट होता है कोस्टल हाईलैंड स्टार्ट होने के पहले पहले ये आखिरी हिल स्टेशन बनता है ठीक यानी आप सभी को पता था पिछले वाले मैप में आपने देखा था महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ जाता है तो अंबोली क्या है आखिरी हिल स्टेशन है उस हिल स्टेशन के बाद कोस्टल हाईलैंड शुरू हो जाते हैं गोवा के ऑल राइट right. ये किस बारे में बात करी थोड़ा सा मैंने इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करी इसके बाद यहां पर मैंने आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताया अगर पर्वत श्रृंखला की बात करी जाए कि किस पर्वत श्रृंखला के किनारे इस साइट को बायोडाइवर्सिटी साइट डिक्लेयर किया गया है पर्वत श्रृंखला कौन सी है सहयाद्री पहाड़ियां ठीक है ना सहयाद्री पहाड़ियां या सहयाद्री हिल्स वाला जो एरिया है वहीं पर ये अंबोली पड़ता है पहला पॉइंट यहां से पूछा जा सकता है कि अंबोली कहां पर है चार ऑप्शन दे सकते हैं इस स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है हिल कौन सा है सहयाद्री हिल पड़ रहा है और इसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसको कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फोना स्पीशीजेस मिलते हैं ठीक है लेकिन यहां पर हॉटस्पॉट बनाने के लिए सब इसमें भी एक पॉइंट जुड़ता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लोरा एंड फोना है उनके बीच में जो वेरिएशन मिल रहा है वो इंडिजीनियस वेरिएशन होना चाहिए स्थानीय विविधताएं होनी चाहिए ठीक तो अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्थानीय विशेषता विविधताएं पाई जाती हैं चाहे पेड़ पौधों में हो फ्लोरा में हो जानवरों में हो कोना में हो तो उसी को क्या डिक्लेयर किया जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के भी नाम से जाना जाता है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए यह नाम एक कॉमन नेम दिया जाता है ताकि लोगों के मन में एक अवेयरनेस आए कि हमें इस पर्टिकुलर साइट का क्या करना है कंजर्वेशन करना है ऑल राइट right, तो यहां पर मैंने कौन सा पॉइंट बताया कौन सा बिंदु आपको समझाया कि इस लोकेशन को जो कि सहयाद्री पहाड़ी में ऑलरेडी है इसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं ठीक लेकिन जिस तरीके से अदर रीजन में फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है वही चीज यहां पर भी हो रही है कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम है कि कहीं भी रोड बना दो एक्विजीशन करके कहीं भी पुल खड़ा कर दो कहीं से भी हाईवे का नक्शा पास करा दो इन सारी चीजों के कारण ये जो पूरा का पूरा इलाका है यहां का भी फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है और फॉरेस्ट कवर डिप्लीट होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होने लगेगी क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी को सबसे मेजर खतरा जिस चीज से बताया जाता है वो क्या होता है लॉस ऑफ होता है लॉस ऑफ मतलब कि उनके रहने की जगह ही छिन जाए तो जैव विविधता धीरे धीरे क्या होती है खत्म होने लगती है या खत्म हो जाती है ऑल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा किसके बारे में जाना हम लोगों ने अंबोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना अंबोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक और सी चीज है कि भाई जस्ट बिकॉज की पड़ रहा है आपका वेस्टर्न घाट पर पड़ रहा है तो एक चीज यहां पर आप आसानी से जोड़ सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का एरिया मिलेगा यहां पर दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि जो अंबोली है अंबोली को चेरा पूंजी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है क्या कहा जाता है चेरा पूंजी ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में लिख करके कि चेरा पूंजी क्या चीज है चेरा पूंजी का क्या मतलब होता है कहां पर है ये और किस वजह से फेमस है मुझे बताइएगा तो मुझे लगे कि नहीं आप लोगों ने थोड़ी बहुत चीजों को पढ़ रखा है ऑल राइट हां जी समझ में आ रहा है या नहीं भाई एनी वन ऑल राइट ऑल राइट बताओ भाई फटाफट से बता दो हाइएस्ट ट्रेन है कहां पर ऑल राइट हाइएस्ट ट्रेन तो है है कहां पर ये जगह कहां है चेरापूंजी ऑल राइट ऑल राइट वेल डन वेल डन चलिए एटलीस्ट आपको पता है आंसर तो यहां पर ये यह जो आपका अंबोली रीजन है इसको भी क्या कहा जाता है चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है दैट मीन्स कि यहां पर भी रेन बहुत ज्यादा होती होगी इस वजह से फॉरेस्ट टाइप क्या होगा ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में वैसन घाट में भी वैसे रेन फॉरेस्ट मिलते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर जो वन पाए जाएंगे वनों के प्रकार मैंने आपको बता दिए अभी तक जो मैंने बात करी उसमें मैंने ये देखा कि अंबोली जो जगह है वहां की ज्योग्राफिक लोकेशन किस प्रकार की बनती है ठीक अब यहां पर दूसरा टर्म आता है कि ये जो न्यूज आपकी फ्लैश हुई वो फ्लैश इस वजह से हुई कि यहां पर एक दुर्लभ जो मीठे पानी की मछली होती है फ्रेश वॉटर जो फिश होती है उसको खोजा गया है और इसका नाम रखा गया है शिष्टुरा हिरण्यकेशी क्या नाम रखा गया है शिष्टुरा हिरण्यकेशी नाम रखा गया है ये जो शिष्टुरा हिरण्यकेशी नाम है ठीक ये जो मछली है ये कहां पर रहती है आपकी जो फ्रेश वॉटर में रहती है और ऐसे पानी में रहेगी जहां पर ऑक्सीजन की एबंडेंस हो ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो वहीं पर यह मछली आपकी सर्वाइव कर सकती है अब ये जो नाम इसका हिरण्य केशी रखा गया है हिरण्य केशी नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहीं पर अंबोली के नजदीक से ही हिरण्य केशी नाम की एक नदी भी निकलती है कौन सी हिरण्य केशी नाम की एक नदी निकलती है और इसी नदी के किनारे पर ही एक बहुत ही फेमस टेम्पल हिरण्यकेश्वर टेम्पल करके भी सिचुएटेड है ठीक आप प्रीवियस ईयर के, के क्वेश्चन पेपर को देखिए तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न खूब सारे पूछे गए हैं बहुत बार बार पूछे गए हैं जहां पर अजीब अजीब सी नदियों का नाम दे दिया जाता है और उसके अगल बगल की चीजें कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेती हैं ठीक है ना तो इन चीजों को थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टेम्पल कौन सा नाम मैंने लिया है ठीक है ना ये अगल बगल के फॉरेस्ट टाइप किस तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूज में जो चीज आती है उसका कौन सा डायरेक्शन कौन सी डायनेमिक्स पूछेगा वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट ऑल चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर हमने आपको हिरण्यकेशी नदी के बारे में बताया और उसी नदी के नाम पर इस मछली का भी नाम पढ़ा है ये जो हिरण्यकेशी रिवर है आपने एक रिवर का नाम पढ़ा होगा घाट प्रभा रिवर कौन सी रिवर घाट प्रभा रिवर ठीक है ना ये जो घाट प्रभा नदी होती है ये इसी घाट प्रभा नदी की क्या है ट्रिब्यूटरी है घाट प्रभा नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है आपकी हिरण्यकेशी रिवर है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पहले यानी शिष्टुरा हिरण्य केशी की खोद से पहले जिसके बाद अंबोली को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है उसके पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ अदर लोकेशन को भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था वो जगह के नाम आप लोग देख लीजिए सबसे पहले नंबर पर यहां पर है ग्लोरी ऑफ अलापिलाई गोरी ग्लोरी ऑफ अलग पिलाई ये जगह कहां पर है आपकी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का अक्सर नाम आता है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है ठीक है ना तो यहाँ की एक लोकेशन है ग्लोरी ऑफ अलग पिलाई इसमें जो चिरौली चिरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है इसको भी डिक्लेयर किया गया है दूसरा है यहां पर लैंडोर खोरी पार्क लैंडोर खोरी पार्क कहां पर है जल गांव में है तीसरा नाम है यहां पर गणेश खिंड इन पुणे गणेश खिंड इज द लोकेशन इन पुणे तीसरा अगला नाम है मिस्टीरिका स्वैंप वेजिटेशन इन सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग में ही एक दूसरा नाम इसके पहले यानी अंबोली के पहले जिसको डिक्लेयर किया गया है दैट इज मिस मिरिस्टिका स्वैंप वेजिटेशन इन सिंधुदुर्ग इन सभी को क्या किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है ठीक प्रश्न इस हिसाब से भी बनता है कि वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी uh, साइट किन किन जगहों को डिक्लेयर किया गया है चार पांच ऑप्शन दे दिया जाएगा उसमें से करेक्ट या इनकरेक्ट चूज करना होगा अंबोली लोकेशन के बारे में मैंने बताया उसके अलावा और कौन कौन सी साइट को डिक्लेयर किया गया है वो यहां पर मैंने आपको बता दिया इस चीज को नोट डाउन करना हो कर लीजिए स्क्रीन लेना हो ले लीजिए अप टू योर विश ऑल चलिए ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं यहां पर पिक्चर दी गई है इस मछली की इफ यू वांट यू कैन जस्ट टू लुक एट इट अदरवाइज लेट मी चेंज एज यू कैन सी इट्स गोल्डन फिश राइट ऑल राइट चलिए लोग कहते हैं कि इसकी आंख जो होती है वो ब्लू सपायर टाइप की होती है बट एनी वेज दैट इज नॉट आर मैटर ऑफ कंसर्न लेट मूव ऑन दीपिका चौहान दीपिका चौहान आई होप इस चीज का आंसर बाकी बच्चे आपको चैट बॉक्स में दे देंगे ये स्क्रीन शॉट ले लो यार ले लो दैट इज बेटर राइट ऑल राइट अब यहां पर अगली चीज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थिंग इस पूरी की पूरी लोकेशन को अगर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी गई है तो किसी भी स्थल को जैव विविधता आपका आ, धरोहर स्थल घोषित करने का अधिकार किसके पास है राइट right, किसके पास है तो यहां पर बताया गया है कि ये जो राइट है ये किसके अंदर में लाई करता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में लाई करता है किसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है कौन सा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ध्यान में रखिएगा उस एक्ट का जो धारा तैतीस है सेक्शन थर्टी है वो इस एक्ट का सेक्शन 37 राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि वो कोई भी ऐसी लोकेशन जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हो या इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखती हो उसके कंजर्वेशन के लिए उसे बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाए ठीक एक्ट कौन सा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट uh, 2002 जिसकी धारा सैतीस के तहत सेक्शन 37 के अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया है कि कोई ऐसा भी एरिया जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी सेंसिटिव हो उसको आप बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दें राइट right? समझ में आ रही चीजें चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर यह बताया गया है कि ये जो पूरा का पूरा आ, आपका एक्ट है इस एक्ट के अंदर जिस भी क्षेत्र को जिस भी एरिया को आप एज अ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करेंगे वो एरिया आपका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है जमीनी भी हो सकता है कोस्टल एरिया भी हो सकता है तटीय क्षेत्र भी हो सकता है इनलैंड वाटर एरिया भी हो सकता है और मरीन इकोसिस्टम समुद्री एरिया भी हो सकता है वो किसी भी तरीके का एरिया हो सकता है ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो किस एरिया को यूनिक और फ्रेजाइल कंसीडर कर रही है यूनिक और फ्रेज़ाइल का मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की जैव विविधता मिलती है मतलब जिनके आसानी से नष्ट होने का खतरा है ऐसे स्थानों को चाहे वो टेरिस्ट्रियल हो कोस्टल हो इनलैंड वाटर वाले एरिया हो या फिर मरीन एरिया हो स्टेट गवर्नमेंट अंडर दायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ एंड टू उसके तहत नोटिफाई कर सकती है किस रूप में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में ऑल राइट चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं इसके अंदर यह बताया गया है जो शुरुआत में मैंने आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट बताए थे उन्हीं मिसलेनियस पॉइंट को यहां पर एक जगह नोटिफाई करके रखा गया है कि ये जो आपकी हिरण्यकेशी रिवर है ये आपकी घाटप्रभा नदी कौन सी नदी घाट प्रभा नदी के बाएं किनारे पर बहने वाली एक सहायक नदी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जो घाट प्रभा रिवर है ओरिजिनेट किधर से होती है वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती है ठीक इसके अलावा क्या है कि ये जो आपकी एरिया है ये जो जगह है इसी के आस पास सेक्रेट ग्रुप्स भी हैं. सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं इन्हें हिंदी में पवित्र कुंज कहा जाता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर इन सेक्रेट ग्रुप्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है और इन्हें एज अ कंजर्वेशनल साइट या फिर कम्युनिटी कंजर्वेशन साइड भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोकल पीपल स्पेसिफिकली जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपने जंगल के कुछ इलाकों को बिल्कुल सिक्योर करके रखते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि जंगल के उस इलाके के अंदर उनके पूर्वजों की पवित्र आत्माएं रहती हैं या जंगल के देवता का निवास होता है तो ये लोग इस पूरे एरिया के अंदर छेड़खानी नहीं करते हैं इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं तो ये जो पवित्र कुंज है ये आपके इकोलॉजी परस्पेक्टिव से बहुत ही बेटर तरीके से कंजर्वेशन का काम करते हैं ठीक तो यहां पर ये जो एरिया है घाट प्रभा रिवर का यहां पर बहुत सारे ऐसे पवित्र वनकुंज या फिर सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहां पर चूंकि मानसूनल रेन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र इसको कहा जाता है इस वजह से फ्रेश वाटर जो यहाँ पर छोटी छोटी धाराएं बह रही है एक तो रेन जो यहाँ पर झरने होते हैं ऊंचाई से जो जलप्रपात वगैरह गिरते वो भी काफी सारे बनते हैं क्यों क्योंकि चट्टानी इलाका है ठीक है हिली टेरेन है और ऊपर से बारिश इतनी हो रही है तो आसानी से वाटरफॉल वाला जो लैंडस्केप है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ठीक और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हैं जैसे आपका करावी प्लांट हो गया या मालाबार मेले हो गया ठीक है ना ये क्या है विभिन्न प्रकार के फ्लोरास के टाइप है जो पेड़ पौधे हैं उनके टाइप दिए गए हैं ठीक यहां पर यह हिम्बोली हिल स्टेशन का मैप दिया गया है डेफिनेटली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये अंबोली जो क्या कहते हैं हिल स्टेशन है वो किस जगह पर है बट इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो हिरण्य केशी रिवर है वो यहां पर है ठीक है ना इसी हिरण्यकेशी रिवर के आसपास का जो इलाका है उसे सिक्योर करने की बात करी जा रही है आगे चलते हैं इस एरिया के अगर वाइल्ड लाइफ की बात करते क्योंकि इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस एरिया के अंदर कौन कौन सी प्रमुख जैव विविधताएं पाई जाती हैं उसके बारे में भी एक बेसिक आइडिया होना हमारे लिए जरूरी है ठीक तो इसके अंदर यह बताया गया है कि ऑब्वियसली यहां पर काफी जो क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है लेकिन अधिकांशतः इस पूरे एरिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो स्मॉलर बायोडाइवर्सिटी है छोटी छोटी प्रजातियां पाई जाती हैं बड़े जीव जंतुओं को यहां पर खोजना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक यहां पर अगर आप बात करिए छोटी प्रजातियों में कौन जैसे सांबर डियर हो गया सांबर डियर के बारे में आप लोग जानते हैं इंडियन गौर हो गया या नॉक्टर्नल माउस डियर हो गया नॉक्टर्नल मीस रात में जगने वाला या स्मॉल इंडियन सिवेट हो गया ठीक है ये सारे के सारे आयुसीएन लिस्टेड एनिमल्स हैं जो इस जगह पर मिलते हैं इसके अलावा लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर भी यहां पर पाए जाते हैं लेपर्ड्स और स्लॉथ बियर क्या होते हैं बहुत ही आलसी प्रकार के जीव होते हैं ठीक है ना दो ही तीन जीव होते हैं जो काफी आलसी होते हैं एक कुआला है पांडा है स्लॉथ बियर है काफी आलसी टाइप के जीव होते हैं एक ही जगह पड़े रहते हैं बहुत ही रेयर स्पीशीज होती है ये भी इस जगह पर मिलती है ठीक यहां पर कुछ कुछ पिक्चर दी गई है बट आई डोंट थिंक सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ये पिक्चर केवल इस वजह से मैंने लगाई ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे देखने में अदरवाइज जो फैक्ट है वही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पिक्चर बना करके तो नहीं लेने वाला है वो ऑल राइट चलिए थोड़ा सा अगर पेड़ पौधों की बात करें यहाँ के फ्लोरा की अगर हम बात करें तो क्या क्या फ्लोराज यहां पर मिलते हैं तो कुछ रेयर स्पीशीजेज यहां पर मिलती है फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड ऑर्किड यहां पर मिलता है क्या मिलता है ग्राउंड ऑर्किड यहां पर मिलता है और एक यहां पर एक फ्लोरा मिलता है जिसका नाम क्या लिखा गया है क्या नाम है ये यह यहाँ की एक रेयर फ्लोरा ब्रीड है ठीक इसके अलावा आप अगर इस इलाके में आएंगे तो आपको यहां पर बायोल्यूमिनेसेंट फंगी मिलेंगे बायोल्यूमिनेसेंट फंगी का क्या मतलब होता है बायोल्यूम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अंदर जो जीव जंतु होते हैं ठीक है ना वो क्या करते हैं अपने अंदर से लाइट का एमिशन करते हैं चमकते हैं वो अंधेरे में ठीक जैसे जुगनू जानते हैं जुगनू को भी हम लोग इस बायोल्यूमिनेसेंट वाली कैटेगरी में रख सकते हैं रात को वो चमकता है उसी तरीके से यहां पर कुछ ऐसे पंगी पाए जाते हैं जो अंधेरा होने पर काफी चमकते हैं ठीक अगर आप लोगों ने एक वो मूवी देखी होगी पाई वाली मूवी देखी है क्या ठीक है पाई मूवी देखी है पाई इरफान खान की मूवी थी ठीक है काफी अवॉर्डेड मूवी थी ठीक है उसमें एक वो ओशैनिक सर्वाइवल दिखाया गया है तो उसमें एक सीन आता था ठीक है ना वो ओशैनिक जो सीन है उस सीन के अंदर क्या था कि वो रात को किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है ना जहां पर मछलियां वगैरह जो होती हैं और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो चमकने लगते हैं दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस राइट तो इस पूरी के पूरे इलाके में एक स्पेसिफिक टाइप का फंगी मिलता है जो रात को चमकता भी है ऑल right, चलिए आगे आगे चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर अगर आप बर्ड स्पीशीज के बारे में बात करें तो ओवर 200 हंड्रेड बर्ड स्पीशीज यहां पर काउंट करी गई है 200 से ऊपर प्रजातियां यहां पर काउंटेड करी गई हैं जिसमें से ड्वार्फ किंग फिशर छोटी किंग फिशर दी अदर किंग फिशर नॉट नॉर्मल वन विच यू गाइज आर अवेयर अबाउट नेक्स्ट इज द इंडियन पेराडाइज फ्लाई कैचर एंड मालाबार बार विसलिंग ट्रस्ट ठीक ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की बर्ड्स हैं मतलब ये नाम बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना मतलब इतने सारे नाम आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि एग्जामिनेशन से क्या इंपॉर्टेंट भी है इतने सारे नाम ठीक मैं अभी भी मिनट के अंदर आपको बता दूंगा कि एग्जाम के ऑस्पेक्ट से कौन कौन सा फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो कौन कौन सा है जो आपको याद रखना है बाकी पूछने को तो बहुत चीजें वो पूछ सकता है लेकिन वो उतनी सारी चीजें रिटेन रखना दैट इज नॉट पॉसिबल तो हम मोस्ट प्रोबेबल चीजों को ज्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे राइट

वो भी इस जगह पर मिलती हैं। ऑल राइट यहां तक की चीज अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे नोटिफाई कर दीजिए आई लेट यू नो कि कौन कौन से पॉइंट आपको एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ध्यान रखने हैं। डिस्कशन तो ठीक है डिस्कशन इज ऑल राइट बट हमें एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीजें जरूर याद करनी है वो याद हो जाएंगे तो बाकी इंफॉर्मेशन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे ऑल राइट चलिए एक्चुअली एक्चुअली

ऑबवियसली ऑबवियसली ठीक है ना ठीक है मैं बता देता हूं मैं बताता हूं इसमें से कौन से कौन से पॉइंट याद करने हैं ठीक देखिए सबसे पहले इसमें से कौन सी भाई करंट अफेयर का यही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा है ठीक है ना अब उसमें से एग्जामिनेशन का क्रक्स निकालना दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर लोग इस चीज से परेशान हुए हैं है ना तो यहां पर देखो जो uh, सबसे पहला पॉइंट कलर लेट मी चेंज द कलर ठीक सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि, कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं किस जगह को डिक्लेयर किया गया है दैट इज अंबोली ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा ठीक दूसरी चीज इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा ज्योग्राफिकल लोकेशन में मतलब बारिश कितनी होती है कौन से वनों के प्रकार होते हैं ठीक है और क्या नदी कौन सी मिलती है यह चीज ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी वाला आसान है वो याद हो जाएगा तीसरी चीज इसको क्यों डिक्लेयर किया गया है हिरण्यकेशी हिरण्यकेशी का नाम क्यों पता है ये चीज चौथी चीज डिक्लेयर कौन करता है यानी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट अंडर एक्ट ऑफ 2002 ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आप सब लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे ठीक ये चार चीजें अगर आपको याद हो जाती है अच्छे से तो दैट मच इज सफिशियंट उसके बाद जो यहां पर फ्लोरा एंड फोना के मैंने टाइप बताए हैं ठीक है अगर उनमें से एक दो पॉइंट आप याद कर सके तो दैट वुड बी सफिशियंट अदरवाइज प्ररी के क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमेंगे अगर आपको ये वाली चीज मिस भी हो जाती फॉर एग्जाम्पल मिस हो जाती है तो आप इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एलिमिनेट तो जरूर करा ले जाएंगे ऑल राइट चलिए चलिए समझ में आ गया भाई समझ में आ गया है, thank you, thank you, thank you. ठीक है शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू ठीक है चलिए चलिए ऑल राइट चला जाए भाई फिर हाँ जी समझ में आ गई चीजें हो जाएगा यस देखो चीजें थोड़ी सी जब पढ़ाते रहो तो बहुत ज्यादा लगती हैं बट चीजें जब आप राउंड अप करिए तो वो शायद उतनी बड़ी नहीं होती हैं ये चीजों को राउंड अप करने का और समेटने का स्किल आप सभी को सीखना होगा ताकि रिवीजन आप लोगों के लिए आसान रहे ऑल राइट ठीक है चलिए तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई यार तो बहुत अच्छी बात है एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मीन टूडे आई मूव ऑन आई जस्ट वॉन्ट यू रिमाइंड ऑफर इज एक्सटेंडेड फॉर ट्वेंटी एंड हियर इट इज डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम you can choose according to your need but do remember this atheist encode while taking any sort of subscription and here it is my telegram link if you have any doubt any sort of concern please do notify me on that channel i'll try my best to resolve all of your concern all of your doubts right till then bye bye see you soon in